नमस्ते आदाब सत श्रीकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज विच आई एम मेकिंग एसिड ऑन एसिड बेसिस इन सॉल्ट चैप्टर टू ऑन द 10th चैप्टर इन द 10th स्टैंडर्ड। तो मैंने आपको जो था वो सारा ये बताया था मेरी फर्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैवन सीन दैट वीडियो देन प्लीज डू वॉच दैट वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई एम पोस्टिंग आफ्टर सो मेनी डेज आई वॉज सिक चिल्ड्रन। सो आई एम रियली सॉरी, बट इस वीडियो में बने रहेगा बिकॉज देर आर गोइंग टू बी सो मेनी पार्ट्स इन दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सो मच इंटरेस्टिंग। सो मैंने कुछ क्वेश्चन जहाँ पे जो थे वो मैंने एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो दैट चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू यू नो पोस्ट द एक्टिविटीज ऑल्सो आई एम गोइंग टू पोस्ट द एक्टिविटीज़ ऑल्सो। सो अगर एक्टिविटीज़ के लिए कई सारे बच्चे जो होते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं एंड दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू इट एंड एक्टिविटीज़ डू कम इन 10th क्लास। सो आई एम गोइंग टू पोस्ट द एक्टिविटीज़, सो आई होप यू गाइस आर विद मी। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ये डिफ्रेंसिएशन से, ताकि मैं जो हूँ वो आपको एंड में ये पीएच स्केल भी बता सकूँ जो मैं आपको कल बता रही थी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी अड्यू। अब यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक डाल दिया है एसिड बेसिस इन सॉल्ट। सो ऑल दीज थ्री वी आर गोइंग टू कंपेयर एंड वी हैव सम यू नो प्रॉपर्टीज विद अस टू कंपेयर इन ऑर्डर टू। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे एग्जांपल्स। तो हमारे पास कौन से एग्जांपल्स हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के। तो टोमेटो, ठीक है, टोमेटो, ये टोमेटो सॉस, विनेगर, ऑरेंज, लेमन, टर्मरिंट, ठीक है, टर्मरिंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर दी tamarind, turmeric, है ना, all example of the acid। now basis पे आ जाते हैं तो हम लोग liquid soap हो गया वो KOH पे कहा जाता है, ठीक है ना, और bar soap हो गया उसको NOH भी कहा जाता है, toothpaste हो गया उस toothpaste हो गया और CaONNH4 ammonium hydroxide। अब ammonium hydroxide को मैं क्यों include कर रही हूँ that is also I'm going to tell you, ठीक है। so इस series पे बने रहिएगा। salt is के अंदर हमारे को पता है कि salt में हम लोग table salt, हम लोग जो commonly common salt या table सॉल्ट के नाम से जाना जाता है NaCl, ठीक है। तो फॉर्मूला भी मैं साथ में बता रही हूँ चिल्ड्रन, ताकि आपको याद रहे बिकॉज समटाइम्स दे डू आस्क फार्मूला ऑल्सो, ठीक है। तो चॉक पीस का फॉर्मूला क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, लिक्विड सोप का KOH, बार सोप का NaOH एंड टूथपेस्ट है ये हमारा, ठीक है। अब आ जाता है हमारा टेस्ट। तो भाई एसिड है तो सार टेस्ट रहेगा, ठीक है ना, बेस है तो बिटर टेस्ट रहेगा, ठीक है, सॉल्ट है तो सॉल्टी टेस्ट, ऑब्वियसली सॉल्ट विल हैव सॉल्टी टेस्ट, ठीक है। दिस बेस इज हैविंग BB, ठीक है, बिटर टेस्ट एंड SA, ठीक है, सार टेस्ट, समझ में आया चिल्ड्रन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर एसिड है तो एसिड को सिर्फ बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेस है तो उसको सिर्फ एसिड ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। एंड ये जो है ये न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद कुछ भी जो सॉल्ट निकलता है, कुछ भी जो एक कंपाउंड निकलता है उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन बेसिस एसिड न्यूट्रलाइज बेस, राइट, HCl हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल HCl इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट डाउन दैट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। वी विल डू द रिविजन चैप्टर, रिविजन लेसन ऑफ दिस ऑल्सो चैप्टर, ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, सॉरी। सो डोंट नॉट वरी, अगर आपको अभी क्या कहते हैं धीरे धीरे करके समझो, यू कैन प्ले पॉज एंड रिवाइंड एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पर क्या है, बेसिस है तो ऑब्वियसली बात है बेस विद वॉट न्यूट्रलाइज, इट विल न्यूट्रलाइज एसिड। सो वॉट इज द दिस थिंग इज NaOH, NaOH अगेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, this is a strong acid, okay। now what happens to the salt, like I've told you that salt is formed when these two are neutralized, theek hai na, so salt plus H2O, that is NaCl plus H2O, theek hai। ab hum log next property bhi aa jate hain, that is identification। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या है, यहाँ पे देखो HCl और H2SO4, तो ऑब्वियस ये बात है कि H यहाँ से H नीड्स टू बी सेपरेटेड, ठीक है ना, व्हेन H नीड्स टू बी सेपरेटेड देन ओनली इट विल हैव द एसिडिक प्रॉपर्टीज शोन, राइट, एंड H कैन बी सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, ठीक है ना।
प्रेजेंस ऑफ वाटर में या तो एच प्लस आयंस नहीं तो एच थ्री ओ प्लस आयंस विल प्रोड्यूस राइट. सो वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर इन दिस द मेटल ऑक्साइड्स मेटल हाइड्रोक्साइड्स मतलब हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर द वंस विच आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस. एन एच फोर ओ एच विच आई हैव टोल्ड यू ओवर हियर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड दो इट इज नॉट अ मेटल बट इट इज अ स्पेशल मेंशन इन द बेस केसेस. ठीक है सो आइडेंटिफिकेशन में आप लिख सकते हैं कीपिंग माई कैमरा स्टडी फॉर दीज थ्री प्रॉपर्टीज यू कैन राइट jot it down. ठीक है ना इफ यू वॉन्ट टू. अब आइडेंटिफिकेशन में है सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड ईदर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड और अ बेस. सॉल्ट शुड कंटेन वॉट इज द कंडीशन नाउ दे हैव पुटेड वन कंडीशन वॉट इज दैट दैट कंटेन एटलीस्ट वन पॉजिटिव कटायन मतलब इट्स जस्ट नॉट हाइड्रोजन प्लस अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस दे हैव टू हैव वन पॉजिटिव कटायन और अदर देन एच प्लस. मैंने आपको अभी अभी बोला ना कि एक पॉजिटिव कटायन होना है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस के और एटलीस्ट वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एनायन मतलब कुछ भी रहना है हाइड्रोजन के अलावा या तो कटायन में कुछ रहना है नहीं तो अनायन में कुछ रहना है. ठीक है समझ में आ रहा है चिल्ड्रन. दे आर गोइंग टू गेट न्यूट्रलाइज बट वॉट इज द कंडीशन दे हैव टू हैव समथिंग अपार्ट फ्रॉम एच प्लस आइदर इन कटायन और इन अनायन. ठीक है ना इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रहा है चिल्ड्रन. दिस इज द शर्त दिस इज द कंडीशन दे आर कीपिंग ओवर हियर. तो चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी पे. ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी. तो ऑल एसिड्स आर डिजॉल्वेबल इन वाटर जस्ट आई टोल्ड यू हाउ they are going to produce the hydrogen and the hydronium ion if the water is not there. That means they are dissolving in it, right? So that means they are dissolvable. Theek hai na? But it's not the same case with bases. So over here I've told you something about CaOH and MgOH ki I will tell you when I'm going to teach you next. That's the reason I have taken this table next. See, in this CaOH and MgOH are weak bases. Why they are weak bases? Because they dilute either half सेमी सॉल्युबल है या पार्शियल सॉल्युबल है या लो सॉल्युबिलिटी है. सो CaOH2 हैज़ लो सॉल्युबिलिटी विद वाटर एंड MgOH2 इज पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर. ओके सो बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट द बेसिस विच डू गेट सॉल्युबल यू नो सॉल्युबल और डिजॉल्व इन वाटर दे आर नोन एज एल्कलीज. सो KOH, NaOH, NH4OH दे आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एंड वीक कौन से हैं CaOH2 एंड MgOH2. Why? Because CaOH2 is low soluble and MgOH2 is partial soluble. Okay. Now आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे भाई सॉल्ट पे. तो NaCl भाई दे आर ऑल्सो एक डिजोल्व हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता. NaCl is dissolvable because it is stable salt or common salt. ठीक है common salt when dissolves it becomes crystal clear, it becomes transparent in the water. But that's not the same case with the chalk powder, right? Chalk powder do not dissolve in water. चलो आप इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं. दे आर सो मैनी इंडिकेटर्स चिल्ड्रन लिसन टू दिस एंड रीड टू दिस वेरी केयरफुली एंड वेरी वेल. ठीक है इंडिकेटर्स में क्या है इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल्स विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अदर केमिकल्स. मीन्स आई एम योर टीचर एंड आई एम एक्चुअली हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट योर एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट है ना. तो इंडिकेटर्स आर द वंस आर दोज केमिकल्स विच आर हेल्पिंग टू फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ अनदर केमिकल्स. ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑल्फैक्टरी में हमारे पास है अनियंस क्लॉव्स वनीला है तो इनकी जो होगी दे ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल. ओके वी आर स्मेलिंग इट इट इज़ रिलेटेड टू आर नोज. ओके ऑल्फैक्टरी मीन्स थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल वी आर एबल टू टेल दैट दिस आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर. सो अनियन क्लॉव्स वनीला एसेंस विल नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड बट देयर कलर विल चेंज सॉरी ओडर विल चेंज व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद बेस. सेम गोज टू सॉल्ट देयर विल बी नो चेंज. नेचुरल एसिड हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं टर्मरिक है रेड कैबेज है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स में जो हमारे को नेचुरली बता सकते हैं कि वो है कि एसिड है कि बेस है. ठीक है तो अब रेड कैबेज है तो ये रेड ही रहेगा एसिडिक में और टर्मरिक जो है वो रेड हो जाता है या ऑरेंज उसका कलर होता है तो दैट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम इन द एसिड बट इट विल बिकम ग्रीनिश ब्लू इन बेस एंड इट बिकम्स रेडिश ब्राउन इन बेस. ठीक है सो रेड से ग्रीनिश ब्लू रेड कैबेज एंड रेडिश ब्राउन इन बेस टर्मरिक दे हैव नो चेंज in the salt.
ठीक है. सो यू कैन जॉट इट डाउन. आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी. ओके, सिंथेटिक पे आ जाते हैं. सिंथेटिक में हमारे पास कई सारे हैं. लिटमस पेपर हो गया, फिनॉल थनीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया. ठीक है, तो हमें, हम सबको पता है कि भाई ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड में टर्न हो जाता है अगर एसिड के अंदर. ठीक है, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन बेस. ठीक है, नो कलर चेंज विल बी देयर इन द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट. नाउ फिनॉल्फथलीन जो है वो एसिड के अंदर कलरलेस रहता है, पर बेस के अंदर जो होता है वो पिंक हो जाता है. अगेन इट रिमेन्स कलरलेस इन सॉल्ट. मिथाइल ऑरेंज, सो ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम ऑरेंज इट टर्न्स टू रेड. एवरी थिंग विल टर्न टू रेड वैन इट कम्स टू एसिडिक इन नेचर. कैन यू सी रेड रेड, है ना. एवरी थिंग विल टर्न टू रेड वैन इट इज़ एसिड, वन वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड. ठीक है, दैट्स हाउ वी डोनेट इन द पीएच स्केल. दैट्स ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस ओनली, बिकॉज दैट्स वॉट आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल टेल यू वाई इट इज़ हैपनिंग, राइट. सो आई विल टेल यू अबाउट दैट वन. ओके, मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाता है. इन एसिड इट टर्न्स येलो इन बेस एंड देयर विल बी नो कलर चेंज. आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी, यू कैन मेक द नोट्स चिल्ड्रन. ओके, अनदर थिंग टू रिमेंबर अबाउट मिथाइल ऑरेंज इज My apple is red. Methyl acid red. ठीक है, banana is yellow. Base yellow. ठीक है, how you remember this terms? Like I've told you that I'm going to be giving you some tips and tricks. So these are some tips and tricks. My apple is red. Methyl acid red. Now banana is yellow. Base yellow. ठीक है, this is the tip. Now, universal indicator, another heading is in the property, under the indicators only, this is universal. First was olfactory, second natural, third synthetic. Now we are talking about universal indicators, okay. So, these are not only help to identify, these indicators are not just helping us to identify what the nature is of the chemical, either it is acid or it is base, but this is telling us how strong it is, how strong the base is, how strong the acid is, okay, or weak in nature for that matter. Okay, now the pH scale is the one which is known as the universal indicator. The pH to have a potence. P stand for potence, a German word means power. ठीक है, power, and it's telling the power of hydrogen. ठीक है, P telling power of hydrogen means hydrogen ions. H means hydrogen ions. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्केल है pH स्केल का, तो हमारे को पता है कि भाई अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ. 0 to 6 is acidic in nature. 7 is neutral. pH 7 is neutral. Our body has pH 7 scale, 7 to 7.6, like that. ठीक है, अब pH scale 8 to 14 is basic in nature. ठीक है ना, so I was telling you that higher the hydroxide ion, that much higher the pH scale will be, right? That is what I was telling you. Why? Because pH scale, basic pH scale starts from 18 to 14. So, maan lo, agar mere ko yahan pe 10 mere paas hydroxide ions hai, so that means it is okay pH level, basic side pe. But if I have 13 hydroxide ions hai, that means it is basic, right? It is quite a basic in nature. ठीक है ना, समझ में आया दैट सोल्यूशन. सेम गोज टू ओवर हियर. आई हैव टोल्ड यू दैट हाइड्रोनियम आयंस, हायर द हाइड्रोनियम आयंस लोअर द पीएच लेवल. ठीक है ना, दैट मीन्स इफ आई हैव ओनली वन, ठीक है, that means it is very 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 basic acidic in nature. Understanding my point chalo. ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 100 निकल रहे हैं molecules and 100 के 100 भी hydrogen produce कर रहे हैं, that means कि यहाँ पे जो है it is very acidic in nature. Understanding my point children. So this is very acidic, this is least acidic, this is very least alkali, this is very alkali. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो it goes according to Vipgior. तो Vipgior is this, people don't know what is Vipgior. ठीक है ना, कहाँ से निकल के आया है. They know what is Vipgior. Vipgior is a rainbow color, but they don't know where the Vipgior is actually. It's seen on the pH scale. And what is pH scale? It's a universal indicator. And what does the universal indicator does? It helps us to identify the nature, not only the nature but the level of acidity and basicity of a chemical also. ठीक है ना, तो I hope you guys understanding it. I'm finishing my lecture over here. Please do make notes of it. Share and subscribe to your friends.
And do like my video if you're understanding each and everything. I'll be continuing with the acid bases and salt. This is the second part of my acid bases and salt. I hope my health is going to be okay for a while so that I can make more and more and more videos for you to see it. This is Alice Rod signing off.